आइए देखने मजा आएगा। ये कितना अच्छा मौसम है, चलिए ना कहीं बाहर घूमने के लिए, मजा आ जाएगा, चलते हैं। हाँ चलो हम घुमा देंगे तुमको। हाँ, चलो कहाँ जाओगे? कब्रिस्तान। पागल उगल है, कब्रिस्तान घूमने का जगह है? पागल तो तुम हो, वहाँ जाने के लोग मरता रहता और तुम्हारे तो नखरा ही खत्म नहीं हो रहा है। अरे यार हम तुमसे तंग आ चुके हैं, तुमसे शादी करने से अच्छा था ना हम कुंवारे ही रहते। हाँ, मैं भी अपने पापा का बात मान लेती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको। अच्छा क्या बोल रहे थे तुम्हारे पापा? मेरे पापा ये बोल रहे थे इस निकम्मे से शादी मत करो, मेरा बुद्धि बरसता जो आपसे शादी किए। अरे यार कितने अच्छे इंसान है मेरे ससुर जी, मुझे बुरी बला से बचाना चाहते थे और आज तक हम उनको खड़ूस समझते रहे। आज से हम लोग दोस्तों की तरह रहेंगे और दोस्ती में कोई सीक्रेट नहीं। हाँ ठीक है, तो तुम बताओ मेरे अलावा तुम्हें और कितनी लड़कियाँ पसंद है? पागल हो, मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है, तुम इतनी तो खूबसूरत हो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें फिर से फंसा दूंगी? नहीं। अच्छा तुम रहने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे तुम्हारे अलावा 3 और लड़के पसंद है। अगर तुम इतना खुल के बता सकती हो तो सुन लो, मुझे भी तुम्हारे अलावा 3 और लड़कियाँ पसंद है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लो तुम उन 3 लड़कियों के नाम लिखो और मैं उन 3 लड़कों के नाम लिखती हूँ। हाँ ठीक है, लाओ दिखाओ मुझे। लेडीज फर्स्ट। ये लो, पहला मेरे अब्बू का दामाद, ये फंस गया सी है। दूसरा मेरे बच्चों का अब्बा, तीसरा मेरे भाई का जीजा। अब लाओ मैं पढ़ती हूँ। नहीं छोड़ो। अरे लाओ तो। रहने दो। तुम्हारी खाला की बेटी अमरीन, तुम्हारी फुप्पो की बेटी फरहीन, और तुम्हारी दोस्त आलिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ ये बच्चों वाले गेम खेलूंगी? नहीं, मैं तो बस उन लड़कियों के नाम जानना चाहती हूँ जिससे मैं इस रक्षाबंधन तुम्हारे राखी बनवा सकूं। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। तुमसे बिरयानी मंगाई इसमें मच्छर निकला है। सॉरी सर। शौरी इस मच्छर का क्या करूँ मैं? बेचारा धोखे में चला गया होगा, मच्छर डिलीवरी बॉय को वापस दे। तेरा दिमाग ठीक है? मुझे पूरा पैसा वापस चाहिए। पूरे पैसे? तू तो ऐसे कर रहा है जैसे सारी बिरयानी मच्छर खाई गया। अरे बिरयानी में मच्छर है इसलिए बिरयानी खराब हो गई। अरे नहीं सर, बेचारा इतना सा तो है, पूरा दिन भी मुंह तो बिरयानी खट्टी नहीं पड़ेगी। हेलो सर, मैं जुगाटो की तरफ से जयपाल। तुमने कैसा चिकन भेजा है, ये ठीक नहीं है। चलाएगा देख रहा तू? अजय भाई खाने में ठीक नहीं है। अच्छा क्या दिक्कत आ रही है सर? इसमें से स्मेल आ रही है। और ना तो भुने हुए मुर्गे में से आवाज आएंगी। साला ये तो 200 रुपए का मुर्गा मंगाया, उसमें भी 1 लेग पीस कमजोर दे दिया। बहुत बढ़िया, और 200 रुपए का मुर्गा नाच का दिखागा तुझे। कस्टमर सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा है मुझसे? घर वाले लोगों को बैंक मैनेजर बता रहा हूँ, यहाँ लौंडा बैठ के पासबुक छाप रहा। आ सर जी बैंक कितने बजे बंद होगी? क्यों लूटेगा तू? अरे नहीं सर जी मुझे लोन चाहिए। मिल जाएगा, किस पे लोगे? मेरे ऊपर दे दो। और तू बड़ा सीएनजी गैस से चल जाए तो किस पे लोन दे दे? प्रॉपर्टी पे लोन मिलता है। अच्छा तो बीवी पे दे दो। बीवी प्रॉपर्टी है? पता नहीं सर जी, मगर इसके पैसे रोज लगाएं। तुम्हें शायद पता नहीं है बीबी घर की लक्ष्मी होती है। हाँ, तभी तो मैं कैश कराने के चक्कर में। अरे पागल आदमी, इंसानों पर लोन नहीं मिलता भैया। और ये तुम्हारी बीबी यहाँ कैसे बैठ गई? खड़ी है वो। आए यार हाइट इतनी कम कैसे रह गई? पता नहीं सर जी, मैं घर नहीं था, मुझे लग रहा है ऊपर की आदमी तोड़ ली किसी ने। चल निकल बाहर, तुझे लोन नहीं मिलेगा बिल्कुल, निकल। बस मैं तो इतना चाहता था कि मैं लोन लेकर अपनी बीबी को खुश रखूं। तुम यार अपनी बीबी के लिए लोन लेना चाह रहे थे? हाँ सर। बहुत खुश किस्मत हो तुम। खुश किस्मत भाड़ू दूसरी करेगा ये। तेरे सारे टांगा फाड़ दूंगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड में लोग कितने गंदे दिखते हैं, रियल लाइफ में तो अच्छे रहते हैं। वही इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखिए लोग कितने सुंदर दिखते हैं, पर रियल लाइफ में उतने अच्छे नहीं रहते। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेना चाहिए। लड़कों को शादी करने का भूत सवार रहता है,
लड़कियां शादी करके भूत उतार देती हैं। लोग तुम्हें खूबसूरत बोलकर गुमराह करेंगे, लेकिन तुम अपना आधार कार्ड देखते रहना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।